नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। सुजस पॉडकास्ट के साथ आप सुन रहे हैं मेधा और शेखर को। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना, भव्य कलश यात्रा में भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, सनातन धर्म के संरक्षण में साधु संतों का विशेष योगदान, यज्ञ से होती है आत्मा की शुद्धि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात, प्रदेश में अब खुलेंगे 2800 से ज्यादा नए चिकित्सा संस्थान। मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आज जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। इस दौरान जेडीएस सर्किल पर रेड लाइट होने पर सीएम का काफिला रुका, ग्रीन लाइट होने पर काफिला आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार से विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने 56 भोग जांके के भी दर्शन किए। उन्होंने महामृत्युंजय महायज्ञ की कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कलश यात्रा महामृत्युंजय महायज्ञ के उपलक्ष्य में लुनियावास स्थित बाबा बालकनाथ आश्रम जाएगी। इससे पहले श्री शर्मा ने बाबा बालकनाथ की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया। उन्होंने बस्तीनाथ जी महाराज का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने एक महिला के सिर पर कलश रखकर और पूजन कर यात्रा की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम सहित जन प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने गोविंद देव जी मंदिर परिसर में धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि साधु संतों के कारण भारतीय संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण हुआ है। उनके विशेष योगदान से आज भारतीय संस्कृति के मूल्य विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ये हमारा सनातन देश है और ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो हमारे सनातन को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहता हूँ, महाराज जी ने कहा प्रकृति, पृथ्वी, पर्यावरण, हमारी संस्कृति में इनका बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ के माध्यम से हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है, हमारा मन भी शुद्ध होता है और सामने वाला अगर इन सारी बातों को मन में विचार करता है तो उसके भाव भी बदलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अगले 3 वित्तीय वर्षों 2023-24 से 2025-26 तक के लिए कुल 2671 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें 2274 उप स्वास्थ्य केंद्र, 430 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और 108 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों यानी BPHU की स्थापना के लिए कुल 2006 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की स्वीकृति पर आभार जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात से आयुष्मान भारत और आयुष्मान राजस्थान का संकल्प साकार होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से गांव ढाणी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता पूर्वक दी जा सकेंगी। इस बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की पहल पर वर्षों से लंबित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। इससे चिकित्सा के क्षेत्र में करियर के इच्छुक युवाओं को नर्सिंग शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे, उनके लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण भी होगा। प्रदेश के गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लैगशिप योजना और राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के मुताबिक सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र आमजन को दिलाने के लिए अधिकारियों को रुचि लेकर तन मन से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाएं। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने विश्व वन्य जीव दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, सृष्टि के संतुलन के लिए प्रकृति के साथ वन्य जीवों का संरक्षण अति आवश्यक है। समस्त प्रदेशवासियों को विश्व वन्य जीव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर हम सभी वन्य प्राणियों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकें और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करें। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।